मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज पूरा देश 71वां गणतंत्र दिवस के रंग में रंगा हुआ है। देश भर में शानदार परेड के साथ साथ अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज के ही दिन 26 जनवरी सन 1950 को भारत का संविधान पूरे देश में लागू हुआ था। इसी उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। मुंब्रा शहर में भी पुलिस प्रशासन और मुंब्रा के शाहीन बाग में CAA NRC NPR का विरोध कर रही महिलाएं और स्कूली बच्चों ने गणतंत्र दिवस झंडा फहराकर मनाया। सबसे पहले हम आपको मुंब्रा पुलिस स्टेशन की तस्वीरें दिखाते हैं। मुंब्रा पुलिस स्टेशन में आज वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड़ ने झंडा फहराया और सलामी देते हुए इस मौके पर मधुकर कड़ ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएँ दी। मैं मुंब्रा पुलिस संघ की तरफ से आज सभी मुंब्रा वासियों और दिवा वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और ये साल पूरा अमन और शांति से मुंब्रा में रहे, यही मेरी शुभकामनाएं और लोगों से इच्छा प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। वहीं मुंब्रा वाहतुक विभाग के सीनियर इंस्पेक्टर सुरेश लंभाते ने झंडा फहराकर सलामी देते हुए लोगों को मिठाइयाँ खिलाई। जहां आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है कि आज के ही दिन देश में संविधान लागू हुआ था, मगर इसी संविधान को बचाने के लिए मुंब्रा के शाहीन बाग में महिलाएं CAA NRC NPR का विरोध कर रही हैं और वहीं से ये महिलाएँ आज गणतंत्र दिवस भी मनाई। हिंदी मराठी इंग्लिश में प्रैम्बल पढ़ा गया। झंडे फहराने के बाद इनकलाबी नारे मुंब्रा के शाहीन बाग में लगे। महिलाओं के साथ बच्चे भी जो विरोध में शामिल हैं और इस मौके पर बच्चे अलग अलग रंग वेशभूषा में नजर आए। वहीं दारुल फलाह मदरसे से भी मदरसे के बच्चों ने झंडा फहराते हुए राष्ट्रगान के साथ सलामी दी, जिसके बाद बच्चे मदरसे से एक रैली की शक्ल में सड़कों पर निकले और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए रैली आगे बढ़ गई। इसी तरह बॉस्को स्कूल में बच्चों ने गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया। देश भक्ति के गीत से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया, साथ ही नाटक के जरिए CAA NRC NPR के खिलाफ विरोध किया। नाटक के जरिए इस कानून के खिलाफ जागरूक किया कि किस तरह से ये कानून देश के लिए खतरनाक है। रिपब्लिक डे है, रिपब्लिक की मुबारकबाद सबको। हमारे सब बच्चों ने इस प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और हम सब इसका सारे लोगों को मुबारकबाद देते हैं। देखिए, रिपब्लिक डे पे सारे हम हिंदुस्तानियों को, भाइयों को, आज जो हमारा 17वां रिपब्लिक डे है उसको मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन साथ ही साथ आज देश के जो हालात हैं, रिपब्लिक डे यानी जो हमारे संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, संविधान को बचाने के लिए अभी हमारी महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया, प्रस्तावना में बच्चों को स्कूल में संविधान पढ़ना कंपलसरी किया है। सर, ऐसा है, आज जमहूरियत का दिन है और ये हमेशा हमेशा के लिए मतलब ये जिंदा हुआ है और कायम भी रहेगा, क्योंकि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उसके बाद से ये संविधान मतलब लागू हुआ और आज के दिन संविधान बना और हम ये चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल के रहें। वहीं सादिया उर्दू स्कूल में बच्चों ने गणतंत्र दिवस पर झंडे फहराने के बाद बच्चों ने नज्म पढ़ी और देशभक्ति की कहानी भी सुनाई और कुछ नाटक के जरिए सामाजिक तौर पर लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी की। गणतंत्र दिवस की धूम आज पूरे भारत में है, मगर सबसे अहम मुंब्रा के शाहीन बाग की महिलाओं का गणतंत्र दिवस है। संविधान दिवस पर भी महिलाएं काले कानून के विरोध कर रही हैं। रात दिन ये महिलाएं शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रही हैं और मुंब्रा ही नहीं बल्कि पूरा देश मुंब्रा की इन महिलाओं को सलाम कर रहा है। और आपको भी गणतंत्र दिवस की प्रहार टाइम्स की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।